एक ऐसा पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं उसके अंदर इंशाल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे, हम हिंदुस्तान की गरीबों की मदद करेंगे। चुनावी वादे तो थे इमरान खान के कि पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना देंगे। अब जबकि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए हैं, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो पाया जो इमरान खान के नए पाकिस्तान जैसा हो। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो जब से इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं तब से पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई है। पाकिस्तानी स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि बीते 6 महीनों के दौरान देश में होने वाले कुल विदेशी निवेश में रिकॉर्ड 77% की गिरावट आई है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया में इमरान खान की नीतियों पर नुक्ता चीनी भी शुरू हो गया है। अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान में होने वाले चीनी निवेश भी घट गया है। इसके अलावा कुछ अखबारों ने पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर के इस बयान पर भी संपादकीय लिखे हैं, जिसमें उन्होंने भारत को सीपैक में शामिल होने के लिए कहा था। पाकिस्तानी अखबार कह रहे हैं कि ऐसे हरगिज नहीं होना चाहिए, वैसे भारत तो खुद ही इस परियोजना का विरोधी है, इसलिए वो भला इसमें क्यों शामिल होने लगा। पाकिस्तान में बीते साल जुलाई से लेकर दिसंबर तक देश में होने वाले कुल विदेशी निवेश में 70% की कमी आई है, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19% तक गिर गया है। पाकिस्तानी अखबारों का कहना है कि इन 6 महीनों के दौरान डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत 30% तक कम हुई है, जिसमें से ज्यादातर गिरावट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सरकार के शुरुआती 5 महीनों के दौरान आई है। पाकिस्तानी सरकार के लंबे चौड़े दावों के बावजूद सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अभी और वक्त लगेगा। पाकिस्तान के ऊपर चीन के भी काफी कर्ज है, जिसे चुकाने में पाकिस्तान को अभी लगभग 20 साल लगने वाले हैं। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अब देखना यह होगा कि नया पाकिस्तान बनने के लिए इमरान खान अब क्या करते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जिधर हम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं उसके अंदर इंशाल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे, हम हिंदुस्तान की गरीबों की मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।